जय हिंद दोस्तों, मैथ्स निचोड़ क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम का 251वां क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन को करने से पहले जो है ना, थोड़ा सा जो है ना शॉर्ट में इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो है ना एक दुकानदार है, ठीक है, एक दुकानदार है और वो जो है तीन कस्टमर को अपने सामान को क्या करता है, बेचने की कोशिश करता है। तीन कस्टमर को अपना सामान को बेचता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक दुकानदार है, उस दुकानदार के पास जो है ना टोटल जो है सेब बेच रहा है, टोटल जो है ना सेब उसके पास मान लीजिए कि 50 हुए, जिसमें से जो है ना ये जो है ना 50 सेब को तीन कस्टमर को क्या करता है, सेल करता है। तीन कस्टमर को जो है ना बेच देता है, पहला कस्टमर, फिर दूसरा कस्टमर, फिर तीसरा कस्टमर, और लास्ट में जो है ना उसके पास मान लीजिए कि जो है ना 10 सेब बच जाता है। तो यही बोलता है कि जो है ना शुरू में इसके पास कुल कितने सेब थे, हम तो यहाँ लिख दिए हैं ना, लेकिन जो है मान लीजिए कि जो है ना हमारे यहाँ मालूम ही नहीं है कि इस ग्राहक इस दुकानदार के पास कितना सेब है। मान लीजिए कि जो है ना एक सेब है, ठीक है, एक सेब है और लास्ट में जो और ये जो है ना तीन कस्टमर को बेचता है, लास्ट में 10 सेब बच जाता है। तो वही बोलता है कि शुरू में यानी प्रारंभ में कुल सेबों की संख्या कितनी थी, कैसे निकालेंगे तब। तो देखिए पहले कस्टमर को दिया, फिर दूसरे कस्टमर को दिया, तीसरे कस्टमर को दिया और लास्ट में बच जाता है 10। अब हमको जो है ना कुल सेबों की संख्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए जो शेष बचा है उसको जो है लेंगे, सबको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए तीसरे जो है ना कस्टमर को जो है ना जब जो है बेचा, तो तीसरे कस्टमर को बेचते वक्त जो है ना उसके पास कितना सेब था, तो जो भी होगा वो जोड़ लेंगे। फिर जो है ना दूसरे कस्टमर के पास जो है ना जब बेच रहा था तो उसके पास कितना सेब था, तो जो भी रहेगा उसको भी जो है ना इकट्ठा कर लेंगे। फिर जो है ना पहले कस्टमर को जो है ना जब जो है दे रहा था सेब, उसके पास कितना सेब था, तो वो जो है ना सभी सेब को हम जोड़ देंगे, तब ना जो है हमको पता चल जाएगा कि उसके पास दुकानदार के पास उतना सेब था। तो वही क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर है, एकदम सेम टू सेम जो है ना। इस चीज को जो है ना समझने से पहले जो है ना थोड़ा सा इसको शॉर्ट में समझा दिए, ताकि इसको जो है ना आपको समझने में आसानी हो जाएगा, ज्यादा जो है ना प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे इसको जो है ना सॉल्व करेंगे। यहाँ बोलता एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा, कुल सेबों की संख्या का क्या है आधा, तथा एक सेब पहले ग्राहक को देता है, ठीक है, ये पहले ग्राहक को देता है, किसको, पहले ग्राहक को देता है। फिर आगे बोलता शेष का 1/3 तथा एक सेब दूसरे ग्राहक को देता, यानी शेष का 1/3 तथा एक सेब दूसरे ग्राहक को देता, ठीक है, तथा शेष का 1/5 तथा एक सेब तीसरे ग्राहक को देता, यानी तीसरे ग्राहक को ये वाला दे रहा, ठीक है, तीसरे ग्राहक को देता, तीसरे ग्राहक को बेच देता है। इसके बाद उसके पास कितना बच जाता है, तीन सेब बच जाता है। तो प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे, यानी शुरू वाला जो है ना मालूम करना है, यानी कि शुरू में उसके पास कितने सेब थे। अभी तो तीन बचा है ना, और सबको जो है ना देते देते जो है ना गया है, अब सबसे जो है ना मान लीजिए कि जो है ना इकट्ठा करना है, तब ना जो है पता चलेगा कि उसके पास कितना था। सबसे जब हम लेना शुरू करेंगे तो सबको इकट्ठा कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि उसके पास उतना था। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी वे में जो है ना सॉल्व करते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, किताबों में जो है इस तरह के जो क्वेश्चन है बहुत ही लेंदी जो है ना तरीके से सॉल्व किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही इजी वे में जो है ना इसको सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को हम जो है ना बेसिक मैथ्स में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से जो है ना हम इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर की ओर जाते हैं, कैसे, क्यों, क्योंकि जो है ना हमको जो लास्ट में बचा है तीन सेब, और जो है ना तीसरे ग्राहक के पास जो है ना जब तीसरे ग्राहक को बेच रहा था तो तीसरे ग्राहक को बेच रहा था तो उस समय उसके पास कितना था, वो वाला जोड़ लेंगे शेष में। फिर जो है ना दूसरे ग्राहक को जो है ना जब दे रहा था तो उस समय उसके पास कितना सेब था, उसको भी जोड़ेंगे। फिर जो है ना पहले कस्टमर के पास जो है ना जब पहले कस्टमर को दे रहा था तो उस समय जो है ना उसके पास कितना था, उसको भी जोड़ेंगे। तब ना जो है ना सबको हम जोड़ देंगे, तब ना पता चल जाएगा कि उसके पास शुरू में कितने जो है सेब थे। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर की ओर जाते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, यहां जो है बोलता है कि उसके पास कुल कितने सेब थे। तो देखिए होल वैल्यू जो है ना निकालना आपको बता देते हैं। मान लीजिए कि 2/5 भाग है, ठीक है, इसका होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, शेष इसका कितना बचेगा, तो जब 2/5 भाग किसी को दे देता है तो शेष बचता है कितना, 5 में से 2 गया तो 3/5 भाग, ठीक है। और शुरू वाला मालूम करना होता है ना,
तो होल वैल्यू का हम उल्टा से गुना कर देते इसको पलट कर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, पांच बटा तीन से गुना कर देते हैं, तो हमको जो है ना पहले वाला चीज मालूम चल जाता है। तो देखिए यहां जो है तीसरे कस्टमर को जब वो बेच रहा था तो उसके पास जो है ना कुल कितने सेब थे वो हमको मालूम करना है, उसकी संख्या मालूम करना है। तो देखिए लास्ट में जो है ना तीन सेब बचा है, ठीक है, लास्ट में कितना सेब बचा है, तीन सेब बचा है, और यहां बोलता है तीसरे को कितना दिया है, शेष का एक बटा पांच तथा एक सेब देता है। तो जो है पूर्णांक वाला भाग है ना उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जो शेष भाग जो दिया है ना उसको हम क्या कर देंगे, एक बटा पांच भाग दिया है तो बचेगा कितना, चार बटा पांच भाग बचेगा, और शुरू वाला मालूम करना है तो होल वैल्यू का क्या करेंगे, उल्टा से गुना कर देंगे। तो जो है चार बटा पांच है तो इसका होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो पांच बटा चार हो जाएगा। तो तीसरे कस्टमर के पास जो है जब जो है ना सेब देने के लिए आता है तो उसके पास कितना सेब था उस समय, तो देखिए ये चार से चार कट जाएगा ना, कितना हो गया, पांच सेब था तीसरे कस्टमर को जो है ना देते वक्त। अब देखिए दूसरे कस्टमर के पास जब जो है सेब बेचने के लिए जाता है तो उसके पास जो है ना दूसरे कस्टमर को जो है देते वक्त उसके पास कितना था, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए पांच हो गया और दूसरे कस्टमर के पास कितना दे रहा है, देखिए शेष का एक बटा तीन तथा एक सेब दूसरे ग्राहक को देता है, तो एक पूर्णांक वाला भाग को हम जोड़ देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो शेष भाग है ना उसका जो है ना हम शेष वैल्यू निकालेंगे, एक बटा तीन है, एक बटा तीन भाग दे देता है तो शेष कितना बचेगा, दो बटा तीन भाग बचेगा, और इसका होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तब ना जो है मालूम चलेगा कि जो है दूसरे कस्टमर को देते वक्त उसके पास कितना सेब था। तो देखिए तीन बटा दो हो गया, अब देखिए यहाँ हो गया पांच एक छह, छह में दो से भाग दे देंगे तो तीन हो जाएगा, तो तीन तिहाई नौ, यानी दूसरा जो है कस्टमर को देते वक्त उसके पास कितना था, नौ। अब देखिए पहला कस्टमर को जो है ना जब जो है पहला कस्टमर को देने के गया तो उसके पास जो है ना कितना था उस समय उसके पास कितना सेब था, तो देखिए नौ में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। देखिए पहले कस्टमर को क्या दिया, पहले कस्टमर को सेबों की संख्या का आधा तथा एक सेब पहले ग्राहक को दिया, तो इंटीजर वाला भाग को जो है ना हम जोड़ देते हैं और जो फ्रैक्शन वाला भाग है उसका होल वैल्यू निकाल लेते हैं और उसका उल्टा गुना कर देते हैं, तब ना शुरू वाला हमको मालूम चल जाएगा। तो नौ एक दस, दस दुना बीस हो गया, यानी कि जो है ना पहले कस्टमर को देते वक्त जो है उसके पास कुल सेब कितना था, बीस था, यानी कि जो है ना टोटल उसके पास जो सेब था वो कितना था, 20 सेब था, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के जो है ना जटिल प्रश्न को सॉल्व जो है इसी चैनल पर होता है, और जो है आप जो है ना बेहतर से बेहतर, अगर जो है आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और बेहतर से बेहतर स्कोर चाहते हैं मैथ्स में, तो आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 252 क्वेश्चन कहता है 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग दो भागों में तोड़ा गया, दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़े को तराजू के एक पलड़े में तथा दूसरे टुकड़े को दूसरे पलड़े में रखा गया, समतुल्य भार करने हेतु 9 कैरेट एक पलड़े में रखना पड़ा, दोनों टुकड़े की तोल का गुणनफल कितना कैरेट है। तो देखिए टोटल जो है आपके पास जो है ना कितना, ये जो है 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग दो भागों में तोड़ा गया, ठीक है, टोटल जो है आपके पास कितना कैरेट है, टोटल जो है ना 25 कैरेट है। तो हमने मान लिया कि फर्स्ट को जो है फर्स्ट कैरेट का जो है ना फर्स्ट नग का जो भार है वो कितना है, एक्स कैरेट है, कितना है, एक्स कैरेट, और सेकेंड नग का जो भार है वो कितना है, 25 माइनस एक्स कैरेट है, ठीक है। अब देखिए इसको जो है ना समतुल करना, यानी कि जो है ना जोखना है, इसको तोलना है, तो देखिए एक पलड़े पर जो है ना यहां पर है और दूसरा पलड़ा यहाँ है, ठीक है। अब जो है ना ये जो है दोनों को समतुल करना, यानी बराबर करना है, तो जो है देखिए इसको जो है तोला जा रहा है, पहले पर जो है ना एक्स कैरेट है और दूसरा पर कितना है, 25 माइनस एक्स है ना, और बोला जाता है कि यानी कि जो है ना पहले नग को, यहां देखिए 25 कैरेट को एक बहुमूल्य नग में दो बहुमूल्य नग दो भागों में तोड़ा गया, दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़े को तराजू के पहले पलड़े पर तथा दूसरे टुकड़े को है ना दूसरे पलड़े पर रखा गया, ठीक है, समतुल्य भार करने हेतु 9 कैरेट एक पलड़े में रखना पड़ा। तो समतुल्य भार करना है तो क्या किया, इसमें जो है ना इसमें मान लीजिए कि जो है ना 9 कैरेट की जरूरत था, ये जो है ना कम पड़ रहा था, तो इसमें जो है ना 9 कैरेट रख दिया, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा,
इक्वल हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा। तो बोलता है समतुल्य हो जाएगा तो बोलता है कि जो है ना दोनों शुक्र की तोल का गुणनफल कितना कैरेट है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ माइनस एक्स इधर आके क्या हो गया, प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि प्लस एक्स और माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो गया, तो प्लस टू एक्स हो गया, बराबर में हो गया पच्चीस। प्लस नौ उधर जाए क्या हो गया, माइनस नौ हो जाएगा, पच्चीस में से नौ गया तो कितना हो गया सोलह, तो एक्स बराबर में कितना हो गया, एक्स बराबर में आठ हो गया। तो देखिए पहला जो है ना, पहला जो है नग का जो भार है वो एक्स कैरेट है, यानी कि आठ कैरेट का कितना है, आठ कैरेट का। दूसरा का कितना हो गया, पच्चीस में से आठ गया तो कितना हो गया सत्रह हो गया, और दोनों का जब हम गुणनफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सत्रह आठ एक सौ छत्तीस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसी तरह का जो है ना जटिल से जटिल प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ में इस चैनल पर। इसलिए जो है अगर आप चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में मैथ्स में अच्छा स्कोर करना, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जो है मेरा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।